जो राम बोले हैं हम उनको लाएंगे और कृष्ण को भी लाएंगे। जब जब मोदी रहेंगे हर भगवान ही छाएंगे। इतनी खुशी हो रही है, बयां कर पा रही है अब कैसे, मतलब कि हनुमान जी की तरह कैसे दिल को चीर को बताऊं। खुश है बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुश है। कुछ लोग कहते हैं कि आगे कोई नहीं पीछे कोई नहीं, अबे तुम लोग का कोई नहीं है, यहाँ सब मोदी का है, सब मोदी के वारिस हैं, हम सब मोदी के हैं। ना तो राहुल गांधी प्रचार करने आ रहे हैं, ना ही अखिलेश यादव आ रहे हैं, और जब पिछली बार खड़े हुए थे तब भी प्रियंका गांधी नहीं आई थी, क्या कारण? वो खुद ही एक दूसरे के सगे नहीं है भाई, वो दूसरे के लिए क्या सोचेंगे, पहले खुद के तो हो जाइए। क्या बोल रही है इतना तेज तेज, क्या चिल्ला रही है? हमारा नेता कैसा हो, मोदी जैसा हो, घर घर मोदी, घर घर मोदी। एक सीक्रेट सुन लीजिए, जो विपक्षियां अपने प्रचार कर रहे हैं, जो उनके प्रचार में जो लोग दिख रहे हैं उसमें भी बीजेपी के ही घुसे हुए हैं। किया है मोदी जी ने, बना किया है कि गिनने बैठेंगे तो समुद्र का कलम बनाएंगे और आकाश का पन्ना बनाएंगे, लिखने बैठेंगे तो कम पड़ जाएगा। नामांकन करने के बाद पहली बार मोदी जी वाराणसी में अपने संसदीय क्षेत्र में आ जा रहे हैं, तो आप देख सकते किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो बिल्कुल खुशी से जाएंगी अंदर, एंट्री लेंगे और मोदी जी से बातचीत करने का इनको मौका भी मिल सकता है, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे ये लोग कितने खुश है। कहाँ जा रही हैं आप लोग? हम लोग आज नारी सशक्तिकरण का जो कार्यक्रम है मोदी जी से मिलने जा रहे हैं, उनसे रूबरू होने जा रहे हैं। अच्छा, मोदी जी से मिलकर क्या कुछ बोलने का मन है इस बार? सबसे पहले तो आपकी बार 400 पार, काशी से 10 लाख पार। क्या? से 10 लाख पार, 10 लाख पार महिलाओं के लिए मोदी जी ने क्या किया, इतना 10 लाख पार कैसे करवाएंगे? अरे बिल्कुल करवाएंगे, क्या नहीं किया है ये पूछिए, क्या नहीं किया है, बहुत कुछ किया है और नारी शक्ति के लिए तो बहुत ही कुछ किया है। अच्छा क्या किया है, एक दो चीज बताइए। जैसे सिलेंडर है जो महिलाओं के लिए था, राशन कार्ड है, तो पहले उसमें मेन जेंट्स लोग हुआ करते थे, अब उसकी भी हेड जो है महिलाएं ही हो गई हैं। अच्छा, अब तो महिला आरक्षण बिल भी जो है कि हो गया है और महिलाएं मुखर होकर अपनी बातों को कह सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल कह सकती हैं। अच्छा, आप खुश हैं मोदी जी से मिलने का मौका मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट टाइम सोचे कि मोदी जी से मिलने, पहली बार देखेंगे उनको सामने से, बहुत खुश हूँ मैं। अच्छा, कितनी खुशी हो रही है, बयां कर पा रही है अब कैसे, मतलब कि हनुमान जी की तरह कैसे दिल को चीर को बताऊं। खुश है बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुश है, बिल्कुल खुश है, बहुत खुश है। अच्छा, क्या लग रहा है मोदी जी इस बार जिस तरीके से दो बार यहाँ से सांसद रहे हैं और प्रधानमंत्री के लिए फिर से तीसरी बार वो तैयार हैं, आप लोग का सहयोग है? बिल्कुल बिल्कुल सहयोग है, बहुत काशी से तो पूरा हमारा जितनी भी महिलाएं हैं और जो पुरुष वर्ग है पूरा जो हमारा सहयोग है मोदी जी को ही है। मोदी जी को ही। अच्छा, कितनी महिलाएं लगभग आज के कार्यक्रम में आ रही हैं? तकरीबन 25,000 के आसपास, उससे ज्यादा ही होंगी, 25,000 ज्यादा ही है। अच्छा, आपका क्या कुछ मुद्दा रहेगा इस बार का, महिलाओं का क्या मुद्दा है? सबसे पहले तो हम मोदी जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनके आने के बाद और उत्तर प्रदेश में योगी जी के आने के बाद में जो महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है, अपराधों का इतना इन्होंने समाप्ति की है जिससे हम लोग अपने आप को वाकई में सुरक्षित महसूस करते हैं। उनकी सरकार में हम महिलाएं बहुत खुश हैं, सुरक्षित हैं और उन्हीं को वोट देंगे और उन्हीं को जिताएंगे। अच्छा, मोदी जी की सरकार में महिलाएं खुश हैं पिछले 10 साल से? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल हैं। रामलला को लाए हैं, कृष्ण लला को लाएंगे हम, उनको ही बारम्बार लाएंगे। अच्छा, बारम्बार लाएंगे जी। हाँ आंटी इधर आइए, आप तो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही है मोदी जी को देखेंगी। अच्छा, क्या कुछ मन है इस बार मोदी जी को लेकर? अरे मोदी जी इसलिए खुश हैं कि हमारे कृष्ण लला भी आएंगे। हाँ। ये उम्मीद पर और खुश है, अति उत्तम है। गर्मी नहीं लग रही है इतनी? कुछ नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं। न प्यास न गर्मी न धूप न पानी, कुछ नहीं लग रहा है। लेकिन बस एक खुशी है कि मोदी जी 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 काम धंधा छोड़कर चारों तरफ मोदी, हर हर मोदी। अच्छा, बनारस में वाराणसी में क्या लग रहा है माहौल चारों तरफ को? एकदम 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 चारों मोदी 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 में हो गया है चारों तरफ, चार मोदी में। कुछ नहीं किया था प्रधानमंत्री, ये मेरे देश के सांसद प्रधानमंत्री रहते हुए बहुत कुछ कर दिए, मेरे श्री राम भगवान रामचंद्र जी को ला दिए, अब क्या चाहिए? जब राम बोले हैं हम उनको लाएंगे और कृष्ण को भी लाएंगे, जब जब मोदी रहेंगे हर भगवान ही छाएंगे। विपक्षी कहते हैं कि कोई भी योजना पूरा नहीं हुआ है, महिलाएं क्या बोल रही हैं?
विपक्षी तो बोलेंगे ही उनका काम नहीं पूरा हो रहा है इस वजह से। और हमारी पहली एक बात है कि लॉकडाउन में पहले जो बिना खाए सब मर रहे थे, उस समय जब सरकार ने पूरा सबका घर देख लिया, वो कैसे हम उनकी तारीफ कैसे करें। और 33% बिल जो आरक्षण पास किया है महिलाओं के लिए, और वो भी और तभी तो इतनी महिला, आज महिला क्यों यहाँ पे इतनी भीड़ है वो तो समय बता देगा कि क्या बोल रही है, इतना तेज तेज क्या चिल्ला रही है। हमारा नेता कैसा हो, मोदी जैसा हो, घर घर मोदी, हर हर मोदी, नमः पार्वती पते हर हर मान। अच्छा महादेव से आप लोग क्या मांग रही हैं इस बार की प्रधानमंत्री जी तीसरी बार बनेंगे या नहीं? एकदम पूरा दिलो जान से हम लोग का यही इच्छा है, इस बार हर बार बने, हर बार मोदी, हर बार आपकी बात 400 पार। क्या मोदी जी को बनना ही है, क्या बनना है? अरे प्रधानमंत्री फिर बनेंगे वो हमारे देश के लिए। विपक्षी कह रहे हैं कि इस बार ऐसा नहीं होने, नहीं नहीं होंगे, विपक्षी बोल रहे हैं लेकिन हम लोग नहीं होने देंगे, विपक्षी को जीतने ही नहीं देंगे। 400 पार। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, मेरा नाम रेबा अधिकारी है। मैं ये जो नए प्रधानमंत्री जब बने हैं मोदी जी, हम लोग के जो बनारस का भी बहुत विकास हुआ है, वो बैठने के बाद तुरंत हम लोग को विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया है, और जो मतलब सब जितनी गरीब महिला है सबको ईंधन का उसने व्यवस्था किया है, फिर सब जो गरीब है उन लोग के अकाउंट में डबल पैसा देना, पैसा दिए है कि नहीं है? क्या क्या किया है मोदी जी ने? अभी देखिए हम लोग का पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई कितना किया है मोदी जी ने? बना किया है कि गिनने बैठेंगे तो समुद्र का कलम बनाएंगे और आकाश का पन्ना बनाएंगे, लिखने बैठेंगे तो कम पड़ जाएगा। लेकिन विपक्षी कहती है कि उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। राज के सुनिए, एक सेकंड एक राज की बात बताएं, एक सुन लीजिए, एक सीक्रेट सुन लीजिए, जो विपक्षियां अपने प्रचार कर रहे हैं, जो उनके प्रचार में जो लोग दिख रहे हैं उसमें भी बीजेपी के ही घुसे हुए हैं। मोदी घर घर मोदी, घर घर मोदी। अच्छा यूपी में कितनी सीटें आएंगी बीजेपी की? पूरी के ऊपर 400 के ऊपर की बार 400 पार। यूपी में तो 80 सीट है ना, जितनी भी पूरी पुसारी सबकी जमानत जब्त है। सुनिए नारी शक्ति का जो विकास हुआ है मोदी जी ने करवाया है, आज जो नारी जो रस्ते में अकेले चल रहे हैं सब मोदी जी के कारण है। महिलाएं सुरक्षित है बनारस, बनारस की क्यों, हर जगह की महिला सुरक्षित है, हम जो फेसबुक है हर जगह की महिला सुरक्षित है। समझ के आज मोदी जी आ रहे हैं, मतलब आप लोग बहुत ज्यादा खुश है? हाँ बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि मोदी जी आ रहे हैं। मैं ऐसे प्रधानमंत्री को साता साता नमन करना चाहता हूँ। अच्छा एक हफ्ते में लगभग उनका ये दूसरा दौरा, अभी तक कोई ऐसा कर रहा था? अच्छा एक बात बताइए, अजय राय यहाँ से हैं, उनके लिए तो ना तो राहुल गांधी प्रचार करने आ रहे हैं ना ही अखिलेश यादव आ रहे हैं, और जब पिछली बार खड़े हुए थे तब भी प्रियंका गांधी नहीं आई थी, क्या कारण? वो खुद ही एक दूसरे के सगे नहीं है भाई, वो दूसरे के लिए क्या सोचेंगे, पहले खुद के तो हो जाइए, हमारे लिए नहीं सोचने वाला। जो कह रहे थे कि मोदी का परिवार नहीं है, आंखें उठाओ और देखो कि परिवार, तुम अपना परिवार देखो भीड़, और उनके परिवार की भीड़ देख लो कैसा लगा, हवा में उड़ने लगे हम लोग क्या मोदी जी आ रहे हैं अब की बार 400 पार। लोग बोलते हैं कि मोदी का परिवार नहीं है, आके कहती हूँ आके देखो कि मोदी का कितना बड़ा परिवार है। कुछ लोग कहते हैं कि आगे कोई नहीं पीछे कोई नहीं, अबे तुम लोग का कोई नहीं है, यहाँ सब मोदी का है, सब मोदी के वारिस हैं, हम सब मोदी के हैं।